नमस्कार दोस्तों, गांधी नॉलेज बैंक की ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक नैर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम समाकारिता या होमोमोर्फिज्म के बारे में पढ़ रहे थे। मैं थोड़ा सा पहले रिपीट करता हूं कि हमने होमोमोर्फिज्म के बारे में क्या पढ़ा, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है समाकारिता के अस्थि या कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म। डेफिनेटली पूछी जाएगी निश्चित रूप से, बीएससी लेवल पर तो हमेशा ही आती है, और अभी भी अभी कान खोल कर सुन लीजिए, ये निश्चित रूप से आपसे पूछी जाएगी कि समाकारिता की अस्थि क्या होती है। एक नंबर में पूछ सकता है, पाँच नंबर में कोई न्यूमेरिकल टाइप भी आपसे पूछ जा सकती है, किसी भी प्रकार पूछा जा सकता है आपसे। तो आप क्या करें कि जैसे भी जिस तरह भी आपसे सवाल पूछा जाए, उस तरीके से आप अपने आप को मेंटली रूप से तैयार रखें ताकि हमें एग्जाम के समय कोई भी गलती न हो। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले रिपीट कर देता हूं कि वास्तव में हमने होमोमोर्फिज्म के बारे में क्या पढ़ा था। जो हमने पढ़ा केवल मात्र वो रिपीट करता हूँ। बस हमने इतना ही कहा कि जी से जी डैश में, यानी जी था वो अलग संक्रिया के लिए ग्रुप था, और जी डैश था वो अलग संक्रिया के लिए ग्रुप था। दो अलग अलग संक्रियाओं के लिए ग्रुप थे, और हमने हम उनमें क्या लगा रहे थे कि हमने एक ऑपरेशन लगाया कि क्या कि ए संक्रिया बी, यानी इससे जो फलन का मान आएगा वो बराबर होगा एफ ए ऑपरेशन एफ बी। अब देखिए, ये ऑपरेशन, ये संक्रिया थी जी डैश के लिए और ये थी जी ग्रुप के लिए। यानी इस प्रकार से जो हमने किया था, ये पढ़े थे हमने होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन, आपको ये याद रखनी है। जो और वीडियो भी वो देखिए, अगर अभी आप हमसे नए जुड़े हैं तो पहले वो होमोमोर्फिज्म की वीडियो देखिए, फिर ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैंने ये समझाने का भी प्रयास दोबारा भी रिपीट कर दिया है ताकि आप नए जुड़े हैं तो आपको समझ में आ जाए हर चीज़। अब देखिए क्या है कर्नेल ऑफ होमोमोर्फिज्म या समाकारिता की अस्थि वास्तव में क्या है। इसमें कोई अगर समाकारिता हो, मान लीजिए ये जी से जी, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जी से जी डैश में, ये जी है हमारा और ये है जी डैश, जी से जी डैश में समाकारिता है, यानी इसका प्रतिचित्रण होगा। अब देखिए, जी में उन एलिमेंट का सेट, जी में उन एलिमेंट, मान लीजिए ये एलिमेंट है, जी में उन एलिमेंट का सेट जिनका प्रतिबिंब या प्रतिचित्रण या मैपिंग करेंगे हम इसमें, वो क्या हो, इसके तत्समक के बराबर हो, जी डैश के तत्समक के बराबर इन अवयवों की मैपिंग क्या हो, इनके यही भी इसकी मैपिंग होगी। तो क्या ऐसा सेट कहलाएगा जो के होगा, ऐसा सेट, इसे कहते हैं हम समाकारिता की अस्थि, इसे कहते हैं कर्नेल अफ के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। और जो हमने लिखा है एक्स बिलोंग टू जी के लिए उन अवयवों का समुच्चय, उन अवयवों का सेट जो क्या हो, इसके तत्समक के बराबर, या ई डैश कह दीजिए, एक ही बात है, इसके तत्समक के बराबर हो, आइडेंटिकल एलिमेंट के बराबर हो, एक ही बात है। आपको समझना है क्या है कि अगर जी से जी डैश में समाकारिता है, इसे अफ कहते हैं हम, प्रतिचित्रण, एक ही बात है। अगर उन जी में उन अवयवों का सेट, जी में उन अवयवों का सेट, ये अवयव है और इनका प्रतिचित्रण जो मैपिंग होगी वो इसके तत्समक के बराबर हो, आइडेंटिकल के बराबर हो, एक ही बात है, तो इन अवयवों का समुच्चय क्या कहलाता है, उन अवयवों का सेट कर्नेल अफ या समाकारिता की अस्थि जो इसके बराबर है। आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, दो नंबर की पूछ ले, एक नंबर की पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, हमें कर देंगे। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल इस पर रिलेटेड बता देता हूँ, फिर एक थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ हम पढ़ने वाले हैं नहीं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, देखिए हमें मैपिंग दे रखी है, दो हमें दे दिया कि ये है, देखिए सी नोट, ये है गुणा संक्रिया के लिए, और इससे प्रतिचित्रण करना है हमें आर नोट एक्स से, ठीक है, दोनों गुणा संक्रिया के लिए है, और हमें जो जड का मान, जो फलन का मान है एफ जड बराबर दे रखा है जड का मोड। अब देखिए हम यहां पर लगाते हैं समाकारिता की अस्थि हमारी, देखिए ये एग्जाम्पल है, हमें प्रूफ करना है समाकारिता की अस्थि से, हाँ इसी से समाकारिता है, और इसे हमें प्रूफ करना है क्या ये कर्नेल है। अब देखिए, क्या हम इसे जड वन जड टू दो मान लीजिए इसमें से सी नोट में से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अफ जड वन जड टू, अफ जड वन जड टू, इस संक्रिया के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इसे मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, देखिए अफ जड वन जड टू, और संक्रिया क्या कहती है, जड वन का मोड Z2 का मोड, दोनों का मोड करेंगे, और दोनों का अलग अलग मोड किया है तो क्या हो गया ये मान एफ जेड वन और एफ जेड टू,
ये क्या हमारी समाकारिता के हिसाब से हमारी समाकारिता की डेफिनेशन थी जो होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन थी उसके अनुरूप नहीं आ गया क्या? आप एक बार ये देख के देखिए क्या इसके अनुरूप नहीं आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि उन अवयवों का सेट, जब उन अवयवों का सेट है कर्नेल अफ उन अवयवों का सेट होगा। देखिए जेड बिलोंग टू सी नोट के लिए कब, ये कब होगा ऐसा कि जेड बराबर एक, तो ऐसे अवयवों का जो भी सेट होगा जहां से जेड बराबर एक हमें मल्टीप्लाई कराने पर या किसी प्रकार से जेड बराबर एक आए तो इस हिसाब से क्या हो गया ये कर्नेल अफ समाकारिता की अस्थि। आपको जैसा मैंने बताया है ठीक उसी प्रकार हमें तैयार रखना है, हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है ये चीजें। अब देखिए एक छोटी सी थ्योरम है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं इन चीजों में, बस एक थ्योरम देख लीजिए। थ्योरम देखिए क्या है कि हमें दे रखा है कि जी से जी डैश में समाकारिता है या होमोमोर्फिज्म है, होमोमोर्फिज्म जी से जी डैश में होमोमोर्फिज्म है तो क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि तो अफ की अफ का कर्नेल कर्नेल क्या होगा के पर सामान्य ग्रुप ऑफ जी। अब देखिए ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है, ये देखिए क्या कह रहा है कि जी से जी डैश में समाकारिता हो तो उन अवयवों का जो कर्नेल है वो क्या होगा ग्रुप जी का परसमान्य, जो हमने नॉर्मल सब ग्रुप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आई बटन एंड स्क्रीन सब चीज में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं, वो वीडियो नॉर्मल सब ग्रुप वाली जरूर देखिएगा क्या होती है। अब देखिए सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप है, सबसे पहले आप देखिए नॉर्मल सब ग्रुप करना है किसको, कर्नेल को। आपको याद रखना है कि कर्नेल की कंडीशन क्या थी कि एक्स बिलोंग टू जी के लिए, कब एक्स बिलोंग टू जी के लिए क्या है एफ एक्स बराबर क्या हो ई डैश तत्सम के बराबर हो। दूसरे अवयवों का क्या पढ़ा था, अभी पढ़ा है हमने कि उन अवयवों का सेट जो जी डैश के तत्सम के बराबर हो उसे कहते हैं हम कर्नेल अफ के लिख दीजिए, कर्नेल अफ लिख दीजिए, एक ही बात है। अब देखिए क्या करना है हमें, बिल्कुल आसान है। अब हम दो अवयव ले लेते हैं, अब ए लिया हमने अफ ए बराबर क्या आ गया हमारा, दो अवयव लिए हैं ई डैश, ऐसे अवयवों का सेट लेना है, इसी में से लिया है हमने अफ बी बराबर ई डैश। मान लीजिए ए और बी क्या है के से बिलोंग करते हैं, अब के से बिलोंग करते हैं तो इनका प्रतिचित्रण देखिए क्या तस्मक के बराबर नहीं होगा क्या, और ऐसा अगर तस्मक के बराबर होता है, तस्मक के बराबर होता है तो देखिए क्या करते हैं, अब देखिए समाकारिता के गुणधर्म से देखिए अफ ए बी, अब इसका देखिए ग्रुप है तो इसका इन्वर्स भी मौजूद होगा, बी इन्वर्स के ऑल्सो मौजूद होगा, तो अफ ए बी इन्वर्स का प्रतिचित्रण करेंगे तो क्या ऐसा ही होगा अफ बी इन्वर्स। अब देखिए बी इन्वर्स है तो हम इसको होल इन्वर्स भी लिख सकते हैं, अफ ए अफ बी का होल इन्वर्स, देखिए क्या ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए एफ ए अगर इससे बिलोंग करता है और एफ बी इससे बिलोंग करता है, देखिए ये अवयव एफ ए बराबर क्या था हमारा ई ई डैश और एफ बी बराबर भी ई डैश, अब देखिए ई डैश और ई डैश का इन्वर्स, अब किसी अवयव का इन्वर्स लगाइए, अब दो अवयव है इनका करेंगे तो वापस हमें ई डैश प्राप्त होगा, और ई डैश प्राप्त होगा जो किससे बिलोंग करता है के से, उसी से हो गया, तो इस हिसाब से क्या हो गया ये हमारा के है वो सब ग्रुप हो गया जी का, सब ग्रुप हो गया जी का, ये हमने सब ग्रुप सिद्ध कर दिया। अब हमें नॉर्मल सब ग्रुप सिद्ध करना है जो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हमने सब ग्रुप तो इसे सिद्ध कर दिया, अब नॉर्मल सब ग्रुप करने के लिए क्या करते हैं हम, नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन होती है दोस्तों ये एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, जहां एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो जाता है। अब हमें के करना है तो के के लिए क्या करेंगे हम एक्स ए एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू के, ऐसा करेंगे तब हमें नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन मिलेगी और इस हिसाब से हमारा सिद्ध हो सकता है। एक मिनट दोस्तों, खैर चलिए हमें सिद्ध क्या करना है इसे नॉर्मल सब ग्रुप, अब हमने सब ग्रुप सिद्ध कर दिया है, अब वो स्पेशल कंडीशन लगाते हैं हम, देखिए एक्स बिलोंग्स टू जी के लिए और ए बिलोंग टू के लिए, ठीक है। अब देखिए एक्स ए एक्स इनवर्स समाकारिता है, समाकारिता है तो हम इस हिसाब से इसे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते,
बिल्कुल आसानी से हम इसे लगा सकते हैं, क्योंकि समाकारिता का गुणधर्म ही ये कहता है। और समाकारिता गुणधर्म किसके बराबर होगा, अलग अलग इनके एक्स एफ ए और एफ एक्स इनवर्स, ठीक है। अब देखिए इसे हम होल इनवर्स लगा सकते हैं, एफ एक्स एफ ए और एफ एक्स की होल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए एफ एक्स ऐसा का ऐसा, एफ ए बराबर क्या था हमारा ई, जो हमने पहले ही पढ़ा था कि ए बिलोंग टू के है और एफ ए बराबर इसका तस्म के बराबर होगा, तस्म के बराबर है तो एफ एक्स यहां पर तस्म के मल्टीप्लाई कराओ वापिस वही अवयव आएगा एफ एक्स इनवर्स। अब देखिए दो अवयवों का आपस में जो आपस में प्रतिलोम है तो उससे क्या आता है हमारा तस्मक ई डैश के, और जो के से बिलोंग करता है, और यही हमें सिद्ध करना था कि अगर के से बिलोंग करता है तो के क्या हो गया, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। दोबारा देखिए कि हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, कि जी से जी डैश में होमोमोर्फिज्म है, समाकारिता है, तो एफ का कर्नेल एक्स बिलोंग टू जी, ए बिलोंग टू के है। देखिए कर्नेल क्या होगा, कर्नेल के बिलोंग टू कि नॉर्मल सब ग्रुप होगा, के है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। कैसे करना था हमें, सबसे पहले हमने सब ग्रुप की कंडीशन सिद्ध की। सब ग्रुप की कंडीशन में क्या थी कि हमने जो के हमारा था क्या था, के एक्स बिलोंग टू जी के लिए और एफ एक्स बराबर ई, ये हमने पढ़ा था। अब ऐसा हमने सिद्ध कर दिया, इसके लिए अवयव हमने लिए ए और बी जो के से बिलोंग करते हैं, के से बिलोंग करेंगे तो एफ ए ई बराबर ई डैश, ई डैश तस्मक के बराबर होगा, जो तस्मक के बराबर है उससे हमने एफ ए और एफ बी इनवर्स जो तस्मक आया था उससे हमने सब ग्रुप सिद्ध कर दिया। फिर हमने जो नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन होती है वो क्या थी, एक्स ए एक्स इनवर्स, अगर ये के से बिलोंग करता है तो हमारा ये के है वो जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इसके लिए हमने जो समाकारिता का गुणधर्म की पालना की, जो हम समाकारिता पढ़ रहे हैं तो उसी नियम से हमें लगाना पड़ेगा एफ एक्स एफ ए एफ एक्स इनवर्स एफ एक्स और एफ ए बराबर ई हो गया, और ई होने के बाद ये दोनों का एक दूसरे का इनवर्स है तो इस हिसाब से ई बिलोंग हो गया, और इस हिसाब से क्या हो गया के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। दोस्तों हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, समाकारिता के स्टे के बारे में, कि जी से जी डैश में समाकारिता हो, जी से जी डैश में समाकारिता या होमोमोर्फिज्म हो तो उन जी के उन अवयवों का समुच्चय या उन एलिमेंट का सेट, उन एलिमेंट का सेट जो जी डैश में क्या हो उसके तत्समक के बराबर हो, जिनका प्रतिचित्रण कहें या मैपिंग कहें, जो तत्समक यानी जी जी डैश में क्या हो उसके तत्समक के बराबर, ऐसा हमने अभी पढ़ा था कि जी डैश ए और बी इसके तस्मक के बराबर हो तो वो उन अवयवों का सेट क्या कहलाता है, समाकारिता की अष्टि कर्नेल अफ एक ही बात है। और बाद में हमने एक थ्योरम पढ़ी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं आप उन्हें याद कीजिए। और बहुत जल्द दोस्तों आपके लिए एक छोटा सा तोहफा, डायनेमिक्स गति विज्ञान की क्लासेज भी आपको यूट्यूब पर गांधी नॉलेज बैंक द्वारा कराई जाएंगी, जो बहुत ही कम लोगों ने करवाई है, तो इसके लिए आप इसे बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन विद्यार्थियों का भला हो सके जो डायनेमिक में हाथ तंग है, जो गति विज्ञान सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही सीखने के लिए, ऐसे टीचर नहीं मिल रहे, YouTube पर भी बहुत कम वीडियो हैं, इसलिए हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका हम भला कर सकें, जितना हमसे हो सके उतना हम आपके लिए कर सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।